दोस्त बनाए? हाँ बड़े दोस्त हैं, बहुत बनाए, और सारे पुराने दोस्त हैं अभी भी? मेरे सारे पुराने दोस्त भी, मेरे नए भी बहुत दोस्त हैं और पुराने भी बहुत दोस्त हैं। मैं आई डोंट कीप माय सेल्फ स्टे, आई डोंट, आई एम नॉट स्टक टू वन आइडिया ऑफ कि अच्छा जी पुराने ही होने, नए तो दोस्त बन ही नहीं सके। मेरे अभी कोई फ्रेंड्स मुझे बता रहे थे कि यार अब वो अब इस उम्र में कहाँ हम नए दोस्त बना सकते। मैंने कहा क्यों नहीं बना सकते उम्र में, यू नो यू हैव टू जस्ट रिलैक्स अबाउट अबाउट दीज थिंग्स, यू नो। ये उम्र क्या चीज़ है, ये उम्र, उम्र तो उम्र लोग सब डिस्कस करते हैं ना, उम्र हो गई है, उम्र, हाँ उम्र हो गई है, हाँ क्या है उम्र, उम्र उम्र ये इन्होंने बनाया हुआ है ना सबने की उम्र जो है वो, क्योंकि वो आप उसमें फिट नहीं आते ना, कि ये खेलने की उम्र है, है ना, ये काम करने की उम्र है, और ये अब रिटायरमेंट की उम्र है, ये क्या उन्होंने फिक्स किया हुआ है ना सबको कि जी आप अब आप ये नहीं कर सकते क्योंकि आपकी ये उम्र है, अब आप ये नहीं कर सकते क्योंकि आपकी ये उम्र है। भाई क्यों क्यों नहीं कर सकते आप किसी उम्र में कुछ भी कर सकते हैं, यू नो। अब मेरी एज में, अब मैं जब मेरे पास जितना एक्सपीरियंस है, जितनी अंडरस्टैंडिंग है दुनिया की और अपने काम की जितनी अंडरस्टैंडिंग है, यू नो, मुझे आई डोंट फील कि मैं इतना दे रहा हूँ, जितना जितना मैं दे सकता हूँ अपनी अपनी फील्ड में उतना मैं दे नहीं रहा, बिकॉज वो कोई अभी पाकिस्तान में उस तरह से हमारी अंडरस्टैंडिंग नहीं है फिल्म्स में और उसमें कि, यू नो, मेरी जो सर्टन ऐसी सर्टन एज है जिसमें आप ये देखें कि लोग राइटर्स डोंट नो व्हाट टू डू विद मी, यू नो, व्हाट रोल्स टू राइट फॉर मी, यू नो। आई डोंट लुक लाइक अ ग्रैंडफादर एंड आई डोंट लुक लाइक अ वेरी यंग फादर, सो दे डोंट नो व्हाट टू डू विद मी, यू नो। सो अब उनके पास कोई ऐसे रोल्स ही नहीं लिख पा रहे कि अच्छा ये अब इसको हम कोई अजीब सा ये रोल दे दें। फ्रस्ट्रेशन होती है, बहुत फ्रस्ट्रेशन होती है ना, बहुत होती है। ये क्या है मतलब कि आई फील के अब जब काम समझ आया तो कह रहे हैं कि हाँ एट द सेम टाइम आई जो काम मिलता है, जो मैं जो मुझे ऑफर्स अभी रिसेंटली फिल्मों की भी आई, वो इतनी टिपिकल होती हैं कि मैं कहती हूँ यार ये तो इतनी टिपिकल है कि मैं क्या इसमें करूँगा, वेरिएशन ही इसमें कोई नहीं है। और वेरिएशन आप दे ही नहीं सकते जब आप कहानी के अंदर कोई बात ही नहीं, आप कितनी वेरिएशन दे देंगे एज एन एक्टर, यू नो। तो ये जो लिख रहे थे, फिल्म भी बनाई है ना, लॉन्ग प्ले किया, हाँ, तो वो खुद क्यों नहीं फिर किया प्रोडक्शंस एंड डायरेक्शन? मैं आपको बताता हूँ, यू नो, एक तो ये कि मैं एक बड़ा एक लेजी इंसान हूँ। आई वांट टू हैव फन विद माय वर्क, आई डोंट वांट कि वो मेरे सर के ऊपर सवार हो के बोझ बन जाए। जब बोझ बनेगा वो काम मैं नहीं कर सकता। मैं एक्टिंग भी फन के लिए करता हूँ, मुझे फन, आई हैव टू लव माई एक्टिंग वर्क, दैट्स वाई आई डू इट एंड दैट्स वाई आई लुक गुड। बट विद प्रोडक्शंस एंड ऑल, मैंने प्रोडक्शंस की, शॉर्ट फिल्म्स बनाई, टेलीविजन को मैंने सेल भी किया, एंड देन आई रियलाइज दैट इट इज़ नॉट, अच्छा काम किया और बड़ा अच्छा, और अच्छा लिखा भी, कंपैरेटिवली जो हो रहा था उससे हट के मैंने काम किया। आई रियलाइज दैट इट नीड्स अ वेरी स्टर्डी टीम एंड इट, ये आपका जितना भी आइडिया है आर्ट, आप जो भी पेश करना चाहते हैं, उस हमारा जो हमारी जो फील, उसके पीछे आपकी एक पूरी मशीनरी होती है। वो मशीनरी मैं क्रिएट नहीं कर सकता, वो मेरी से मशीनरी आज तक क्रिएट नहीं हुई, वो पूरी टीम क्रिएट नहीं हुई मेरे से। और टीम क्रिएट हो भी जाती तो हमारी स्क्रीन बहुत लिमिटेड है, देयर इज़ वेरी लिमिटेड buyers out there to buy it, you know. So it's not like an open industry like India ke acha ji har kisam ki film aap banaye to uske liye there's a buyer, there's an audience, there's a, wo nahi hai you know Pakistan mein. So that kind of stopped me, you know, and I said, you know, and the other thing is I realized the other thing about myself was that I'm best in front of the camera. I might be good behind the camera, like all, you know, hum sare actors, you know, you're a director yourself, you know, ke hum as a director bhi bada acha kar sakte, because we worked with umpteen directors in our lives, you know. Lekin ye ke I give my best in front of the camera. Behind the camera, I keep compromising. In front of the camera, I never compromise. Only when I want to compromise, I'll compromise. I will not compromise because... Oh, you know, I have nothing else, you know. So, इसलिए तो ये चीज़ मैंने रियलाइज़ की, मैंने कहा यार फिर
mera, you know, I have a name, I have my talent, I still am, you know, healthy and I can give. Lekin sirf afsos is baat ka hota hai mujhe ke writers aur jo filmmakers ab Pakistan mein hai, jabki Pakistan mein is waqt bahut film industry ekdam khadi ho gayi hai, aur wo unke paas so the thinking is limited. I feel ki wo hamara itna influence hai Bollywood ka ke usse break nahi kar sak raha koi bhi filmmaker, be it smaller films jo bani hai wo aur badi films bhi, wo usse break hi nahi kar pa rahe. Why break nahi kar pa rahe? I feel canvas ko samajh nahi pa rahe. Canvas cinema ka jo parda hai na, haan, uska ek khaas canvas hai na. Dekho, canvas jo hai na, uska to wahi canvas samajh rahe hain ki jo Bollywood ki film mein aati hai. Bhai, agar aap Bollywood ki jaisi film mein banayenge to Bollywood ki film mein bhi to lag rahi hai Pakistan mein na, to log phir hum Bollywood ki dekhenge jaake, aapki kyun dekhenge hum? Do you get me? आपने अगर अपने बनानी है, अपने लो बजट फिल्म बनाएं या बिग बजट फिल्म बनाएं, आप अपना रंग, आप अपनी कहानियां तो सुनाएं ना, आपकी अपनी कहानी क्या है, आपकी सारी जो बातें हैं और जो सारा आपका नुआंस है वो सारा बॉलीवुड है. I'm not saying there's anything wrong with Bollywood. I mean, that's great. It's the greatest film industry. फिर हम original देखें ना. हाँ, फिर हम original देखेंगे ना. फिर हम फिर Bollywood देखेंगे. हम Lollywood क्यों देखेंगे? तो उसका उनका हैंडीकैप भी ये है ना पाकिस्तान फिल्म मेकर का कि आपकी लैंग्वेज एक है ना इंडिया के साथ, तो वो सारी डोर्स खुल जाती है ना, कल्चर लैंग्वेज ऑलमोस्ट सिमिलर, तो जिसकी वजह से, और इंडिया का जो फिल्मों के हीरोज़ हैं वो आपके मुल्क में हीरोज़ हैं, वो स्टार्स आपके मुल्क में हैं, आप चाहे आप माने ना माने वो आपके स्टार्स हैं इधर, यू नो. सो द थिंग इज के विच इज़ फाइन, लेकिन मुश्किल भी है ना उस शैडो में से निकलना. बहुत, यही तो मैं, दैट्स माय पॉइंट, उससे निकलना बड़ा मुश्किल है. उससे निकलने के लिए हमारा फिल्म मेकर इज नॉट रेडी टू डू इट. व्हाई? बिकॉज आपका जो इन्वेस्टर है, इन्वेस्टर डजंट वांट इट. इन्वेस्टर कहता है यार मक्खी पे मक्खी मारे, क्योंकि हमने 1 करोड़ का 2 करोड़ बनाना है. डू यू गेट मी व्हाट आई एम सेइंग? सो बी नॉट इंटरेस्टेड इन एनी एक्सपेरिमेंट. हाँ, और I tell you, पाकिस्तान की जो फिल्म इंडस्ट्री और पाकिस्तान का जो हमारा मुल्क है, इट इज़ सो रेडी फॉर एक्सपेरिमेंटेशन. इट इज़ सो रेडी दैट आप अभी लो बजट फिल्म बना के अपनी कहानियाँ सुनाएंगे, आप यू विल सी कि हाउ मच मनी दे विल मेक. इनके ये बात ये रियलाइज नहीं कर रहे अभी, क्योंकि हमने वो ड्रामा दिखा के ट्रेन किया है, हुए भी ऑडियंस ट्रेन हुए भी. लेकिन उसके लिए आपको चाहिए फ्री थिंकिंग फिल्म मेकर्स पाकिस्तान में अभी नहीं. आई एम सॉरी, you know, I have to, you know, call spade a spade. I'm not going to, you know, mince my words. Free thinkers nahi hai. ये इस वक्त सब फिल्में बना के पैसा बनाना चाहते हैं. सारे मुझे कहते हैं आप क्यों नहीं इस तरह से कमर्शियल फिल्म बनाई हो. मैंने कह रहा कि मुझे पैसे बनाने ही बनाना होता तो फिर मैं फिल्में क्यों बनाता? फिर मैं कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर दूँ, मैं प्रॉपर्टी का काम शुरू कर दूँ, मुझे फिर फिल्में क्यों बनानी है? आप फिल्में भी बना रहे हैं सिर्फ पैसा बनाने के लिए, तो फिर तो कोई फ़ायदा नहीं. आप शौक के लिए भी तो बनाए ना, शौक के लिए कोई बना ही नहीं रहा. सब प्रोड्यूसर को खुश करने के लिए फिल्में बनाते हैं, सब बना रहे हैं कि जी अच्छा वो इन्वेस्टर ने इतने पैसे दिए तो उसको हमने खुश करना. भाई क्यों खुश करना? आप अपने आप को भी तो खुश करें ना. तो दैट इज़ द थिंग, यू नो, एंड आई एम नॉट सेइंग कि द पिक्चर इज़ ब्लीक. आई एम श्योर देर इज़ गोइंग टू बी, यू नो, ये एक पूरा एक प्रोसेस है. ये पूरा प्रोसेस से गुजर के हम बनाएंगे हमारी बड़ी मज़े की फिल्में और बड़ी बड़ी मज़े की कहानियाँ होंगी. इसलिए कि आपका जो प्रोड्यूसर के लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है ना. वो कहानी पढ़ेगा जो लोगों ने लिखी है, तभी वो समझेगा कहानी को. बिल्कुल, कहानी का एक अपना एक अपना आइडेंटिटी है, उसकी अपनी जिंदगी है उसकी, है ना. तो अगर कहानी पढ़ोगे नहीं बहुत सारी, exactly. तो फिर आप कहानी को समझोगे कैसे? हाँ. और उसमें आपका बिलीफ का आपको यकीन होना चाहिए अपनी कहानी पे. यार ये कहानी लोग एंजॉय करेंगे. हाँ, और ये बात मुझे एलियट कैसनर ने बताई थी. ईगल्स डे का जो प्रोड्यूसर था, ऑटम इन न्यूयॉर्क का प्रोड्यूसर, ही सेड दैट कि प्रोड्यूसर को जरूरी है कि वो कहानियाँ पढ़ता रहे, जितनी किताबें छपे वो पढ़े, ताकि देखे कि लोग क्या क्या लिख रहे हैं, कैसे कैसे सोच रहे हैं. एक अच्छा प्रोड्यूसर जो है उसको अच्छा रीडर होना चाहिए.
हाँ वो तो बिल्कुल होना चाहिए. और मसला ये है कि हमारे अभी इन्वेस्टर जो हैं, हमारे मल्टीनेशनल्स जो अब हैं, वो सारे वो यू नो प्रोडक्ट सेलिंग भी करते हैं वो बहुत ज़्यादा, और वो पूरा ही एक सिस्टम जो है वो अब इवॉल्व कर रहा है कि पहले तो पैसे हमारे इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर्स से आते थे और इन्वेस्टर और किस्म का इन्वेस्टर था, अब मल्टीनेशनल्स है जिन्हें अपने प्रोडक्ट सेलिंग भी करनी है. सो वो कैसी प्रोडक्ट प्लेसिंग प्लेसमेंट कैसे होगी, सेलिंग कैसे होगी, और फिर कहानी और, वैसी होगी तो हाँ, उसमें और कौन पावरफुल होगा, क्या मल्टीनेशनल या आपका जो प्रोडक्ट प्लेसमेंट ज़्यादा पावरफुल होगी या आपका आपकी कहानी ज़्यादा पावरफुल होगी, ये भी इसकी भी तो जंग है ना पूरी. इंडिया तो इज़ अ बिग कंट्री वेयर सिनेमा इज़ बिग, सो प्रोडक्ट प्लेसमेंट जो है वो उस एक हद तक होती है, और वो मल्टीनेशनल्स हैव टू लिसन टू द डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड प्रोड्यूसर्स. पाकिस्तान में बिकॉज इट्स अ न्यूअर इंडस्ट्री एंड समवॉट वी द आर्टिस्ट द फिल्म मेकर इज़ वीकर एज कम्पेयर टू इंडियंस, दे हैव टू लिसन टू द मल्टीनेशनल्स. तो फिर ये होता है कि आप फिल्म देख रहे हो तो आप कहते हैं यार अच्छा अब ये कोई कमर्शियल है या कि ढाई घंटे की फिल्म है ये, यू गेट मी. सो यू आप देख के फिर आप कहते हैं अच्छा ये तो कमर्शियल ही है. सो ये अभी इसकी जंग चल रही है, इसकी जंग का भी एक कल्मिनेशन होगा, ये भी ख़त्म होगी, फिर एक पैरामीटर्स सेट होंगे कि अच्छा यार आप इतना कर सकते इतना नहीं कर सकते. ये पूरी एक हमारी जो है ना एक कहानी अभी चल रही है, ये भी इवॉल्व हो रही है. ये You know, nothing wrong with it. I mean, it's this is the way to do things, you know. जिस तरह का हमारा है मुल्क, जिस तरह की हमारी जिन जिन चीज़ों पर हमारी दस्तरस है उसको हमने लेके कैसे चलना है. हम मिमिक नहीं कर सकते इंडिया को बिकॉज हमारी इंडस्ट्री वो उस तरह की नहीं है, हमारी और किस्म की इंडस्ट्री है. एंड आई फील कि हमारी इंडस्ट्री एक्चुअली इज हैज़ मोर पोटेंशियल vis-a-vis आर्ट. वाई? बिकॉज वी हैव we are not under any constraints of a bigger industry like Bollywood as such. You know, we are a few, you know, it's an independent country, we are free to do whatever. That is why if you look around, aap dekhe hamari music industry kitni zyada chali hai aur kaise without any help, without any infrastructure. And television industry. Television industry की तो एक infrastructure से आई है ना. हाँ. वो तो पीछे 60s, 70s वो पूरा एक ज़माना था and एक systematically वो improve की है, और फिर वो government medium से निकल के 90s में private हो गई. तो उसकी तो एक basis थी. Music की तो कोई basis नहीं थी as such. और and I'm talking about pop music and folk. जिस तरह फोक रिवाइव किया गया पाकिस्तान में और क्लासिकल जिस तरह रिवाइव किया गया, उसका इन्फ्लुएंस फिल्म की म्यूज़िक का नहीं था. फिल्म की म्यूज़िक अपनी म्यूज़िक थी. लेकिन यू नो नाजिया हसन का आना और वो सारा वाई हाउ कम इंडिया में नहीं हुआ? वो वाई नहीं, क्यों नहीं हुआ? वाई? बिकॉज इंडिया की इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, एवरीबडी हैज़ टू लुक अप टू बॉलीवुड एंड सक अप टू बॉलीवुड. कहते यार हर आपके उनके पैरामीटर्स बॉलीवुड के लिए सेट हैं, हमारा कोई पैरामीटर सेट ही नहीं है. म्यूजिक का कोई तो सेट हम नहीं. हर काम में यू कैन डू एनीथिंग. हाँ, नई दुनिया बना सकते हैं. आपको किसी को इम्प्रेस ही नहीं करना. आपने एज एन आर्टिस्ट पाकिस्तान में आपने किसी को इम्प्रेस नहीं करना, या आपने किसी अपना आर्ट बॉलीवुड को नहीं सेल करना. आपने अपना आर्ट अपने लिए मार्केट ढूंढनी है और खुद ही यही सेल करके. दैट इज़ वाई अ लॉट ऑफ शौकीन आर्टिस्ट हैज़ इमर्ज्ड इन पाकिस्तान, बी इट सिंगर, पेंटर्स, एक्टर्स. हम भी शौकीन एक्टर हैं. हमें इंडिया की तरफ ट्रेन नहीं किया गया, जिस तरह सलमान खान वगैरह हो गए, ये वो, उनको तो तीन साल उन्होंने ट्रॉलियाँ खींची हुई हैं डायरेक्टरों की, क्योंकि उनको ट्रेन किया जाता है कि अच्छा जी आपने एक्टर बनना है, आपने यहाँ से शुरू करना है. उनकी तो पूरी ट्रेनिंग वहाँ से शुरू होती है. हमें तो शौक किया, हमने कहा जी वो जी बड़ा मज़ा आएगा स्क्रीन के ऊपर अपने आप को देखे, हम तो ऐसे शुरू हुए. सो द थिंग इज दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन our artists and Indian artists. You know, Indians are prepared for everything. We are open to everything. That is the difference. Do you get me? Absolutely. So when you are open to everything, when you are open to everything, then you can accept. And accept everything and perform accordingly. Again, when you prepared, then you prepared for a certain thing.
And then you have a certain reaction to it, you know. Mm. You get me? Yeah, yeah. So that's why, that's the difference between Pakistani and Indian star. You're why free. I say, pardon? One is free, no? One is free. That is why I have, again, coming back to my point, I think Pakistan mein bahut potential hai. Har arts ki field mein excel karne ka. Be it acting, paintings, music, film, dance. Everything, you know. So again, you know, the picture is not bleak at all, you know. Koi aisi khwahish hai jo nahi puri hui? Main ek waqia sunata hu. Waise do teen waqia the, lekin pehle se shuru mein karte hu. Waqia ye hai ki main mujhe, as I told you, mujhe kahan books padhne ka bada shauk tha. To maine Babsi ka ek novel padha, Ice Candy Man, you know. And so un dino mein Babsi meri favorite writer thi aur main sari uski books padhta tha. Ice Candy Man mujhe bahut pasand aaya, because it was set in Lahore aur ek Ice Candy Man ki kahani thi aur main exactly usi age mein tha jab maine wo padha. And main kya, ye film kabhi banegi na to I want to do Ice Candy Man ka role, you know, because I'll be able to do it very well. Main Lahore ka rehne wala hu, mera accent yahi hai, mera puri nuances wohi hai. To khair ji, uske baad ye hua ki वो मुझे फिर न्यूज़ में पता चला कि वो जी बैप्सी सिद्वा का नावल जो है वो दीपा मेहता ने ख़रीद लिया और वो उसके ऊपर फिल्म बना रही है. मेरे ख़्याल में बनाई थी ना अर्थ बनाई थी आइस कैंडी मैन पे. तो और उसमें उस रोल के लिए आमिर खान को ले लिया उन्होंने. मैंने कहा अच्छा यार, अच्छा मेरे जहन में ये नहीं था कि इंडिया बनाएगा या कैनेडा बनाएगा वो फिल्म. इनको पाकिस्तान में कभी बनेगी तो मैं करूँगा. वो एक वाक्या था मेरे जहन में, मेरे दिल में एक चीज़ जो मैं कभी, मुझे ये नहीं हुआ कि यार, मुझे कभी इतना शौक नहीं था कि अच्छा यार किसी को कोई और फिल्म मिल रही मिल. आमिर खान ने जब आइस कैंडी मैन के ऊपर वो फिल्म की अर्थ के नाम से, दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई वाज जेलस ऑफ आमिर खान. आई वाज अनहैप्पी अबाउट नॉट बीइंग एबल टू डू दैट फिल्म. हमारे क्योंकि रबते नहीं है, हमारा हमें पता नहीं, एजेंट्स नहीं है, एजेंट्स नहीं, एजेंट का होना पता नहीं इतना कैसे जरूरी है, क्या करना है. तो वो मेरी ख्वाहिश बड़ी मेरी दिल को लगी और मैंने कहा ये मेरे से, यू नो, ये मेरे से हाथ हो गया, मेरे हैंड हो गया. खैर वो बात खत्म होगी, वो फिल्म बन गई, चल गई, लोगों ने देख ली. मैंने नहीं देखी. अच्छा. मैंने एक दो शॉट्स देखे थे आमिर के उसमें, और ज़ाहिर है क्योंकि मैं जेलस था तो मैंने ये सोचा, मैंने कहा इसने क्या किया, मैं तो इससे बेहतर कर लेता. सो वो इंडिया में क्यों काम नहीं किया? लेकिन अभी कहानी मेरी खत्म नहीं. सॉरी. उसके बाद क्या, वो चंद साल बाद मैं एक फिल्म फेस्टिवल के लिए गया दुबई में. दुबई में फिल्म फेस्टिवल था बहुत बड़ा, जिसमें हम, मेरी भी एक फिल्म गई हुई थी हसन की, रात चलिए झूम के, जिसकी वजह से हमें सबको बुलाया गया था उधर. तो वहाँ सारे इंडियंस भी आए हुए थे, और जिसमें दीपा मेहता भी आई हुई थी. तो दीपा मेहता और मैं, हम मिले और उनकी, मैं टॉक पे गया सुबह सुबह, अर्ली मॉर्निंग उनकी टॉक पे चला गया मैं उठ के, यू नो. और मैंने कहीं, मैंने तो जाके उनसे बात भी करनी है, यू नो, आई हैव अ बोन टू पिक विद हर, यू नो. सो एनीवेज आई मेट हर एंड आई सेड, उस वक्त मेरी हिम्मत नहीं पड़ी, मैंने कहा नहीं अभी मैं नहीं कहता, क्योंकि मैंने कहा शाम को कहीं मिलेंगी तो, यू नो, बिकॉज शाम को हम सारे इकट्ठे हो जाते थे डिनर पे और बार एंड ऑल दैट. तो खैर मैंने उसकी उस वक्त मिला, बातें होती की, लेकिन शाम को दोबारा उनके, यू नो, शी इज़ वेरी नाइस एक्चुअली. फिर शाम को उन्होंने कहा कि हाँ, विल मीट अप एंड ऑल. फिर शाम को दोबारा मिला ना, देन आई टोल्ड आई सेड, यू नो व्हाट, यू हैव डन डिससर्विस, यू नो, टू द सिनेमा वर्ल्ड, यू नो, बिकॉज अगर आपने मुझे लिया होता उस फिल्म के अंदर तो मैं आपको आमिर से अच्छा परफॉर्म करके दे सकता था. ये मैंने कह दिया कि पता नहीं कर सकता था या नहीं, तो बात की बात. तो कहती बेचारी, शी वॉज वेरी नाइस, शी सेड, बट आई, यू नो, हाउ डू आई नो वेयर पाकिस्तानी एक्टर्स लिव, व्हाट डू दे डू, हाउ डू आई कॉन्टैक्ट देम, एंड यू नो. एंड आई सेड, हाँ, मैंने कहा ठीक है, वो तो खैर कॉन्टैक्ट करना होता आप कहीं से भी कर सकते हैं, लेकिन आमिर खान इज़ अ बिगर स्टार, यू नो यू नीड सर्टन नेम्स इन द फिल्म. आई एम श्योर ही मस्ट हैव डन अ गुड जॉब, बट सो दैट इज़ समथिंग दैट हैज़ stayed in my mind ke there was a film that I wanted to do after reading that novel and I was not able to do it. To kya hum khud nahi kar sakte ye?
एक एक कहानी पे दो फिल्में नहीं बन सकती. बिल्कुल बन सकती है, लेकिन अब मैं उस एज ग्रुप पे भी नहीं हूँ ना. अब मेरी एज भी हो नहीं रही ना. आइस कैंडी मैन अब आगे निकल गया है. हाँ. अच्छा मैं पूछ रही थी ना कि रहमान साहब योर अंकल इतने बड़े स्टार थे. हाँ, मैं तो इंडिया में क्यों नहीं काम किया. मेरे ताया रहमान, असल में तो उनका नाम सईद रहमान, लेकिन फिल्मी नेम रहमान. इंडिया में जब मैं फिल्मों में आया था तो पहली फिल्म के फ़ौरन ही बाद में बॉम्बे चला गया. उसे बॉम्बे कहते थे. तो पहली फिल्म के फ़ौरन बाद में बॉम्बे चला गया और मैंने अंकल को कहा कि मुझे आप यू नो मैं अंडर एज हूँ, 18 नहीं था मैं अभी, आई वॉज 16 आई थिंक आई वॉज. तो मैंने कहा आप व्हाई डोंट यू अडॉप्ट मी एंड व्हाई डोंट यू अडॉप्ट मी एंड लेट मी स्टे इन इंडिया एंड आई वांट टू जस्ट वर्क इन इंडिया यू नो. एंड and he was very unhappy. I mean he was not unhappy, but he said no, you can't, you go back to Lahore, you can't live here, you don't want to live here, you have to go and you know take care of your father, you just go and you Pakistan mein bhi rahne ka, Pakistan mein you don't work in films. You and I remember he said you have to join merchant navy join karo to. I don't know why he thought of that. Really? Ha, merchant navy join karo to. My sweet, sweet uncle, actually, you know, he's so such a nice man. Huh. And so main unki kya baat sunta tha, ha ha uncle main to main jaunga hi, so I would just stay there for ek ek. Ye nahi abhi nahi ke baad ki baat hai. Nahi bhi nahi ke foran baad, pehli film ke foran baad mein chala gaya. फिर मैं जाके दो दो महीने बॉम्बे में पड़ा रहता. वो कुलाबा में रहते थे एक फ्लैट में साउथ बॉम्बे में, वो ताज होटल के पीछे यू नो. सो वो मैं चला जाता था, वो जहाज़ पकड़ता था. उस ज़माने में तो बड़ा इजी था आना जाना, वीज़ा भी यूँ मिल जाया करता था एक एक घंटे में. तो मैं कराची शूट के लिए जाता था, कराची से मैं बॉम्बे की फ़्लाइट लेके चला जाता था. फिर मैं रहता, मैंने बड़ा अंकल को कहा, बड़ा मैंने कहा अंकल नहीं, यू नो टेक केयर ऑफ़ यू एज़ वेल, यू नो लेट मी डू इट. एंड He said, no, you can't. Anyways, मेरी जो ताई थी, मेरी ताई ने मुझे कहा कि oh, your uncle is just, you know, let me do something for you. So she said, okay, what I'm going to do is, I'm going to call a few people. So you take the bus and you go and meet them, you know. अच्छा. तो वह बॉम्बे में उस वक्त वो ये डबल डेकर्स चलती थी, यू नो, लाल रंग की. सो मैं, she called up B.R. Chopra, राम दयाल एक प्रोड्यूसर होते थे, एक दो और मुझे नाम भूल रहे हैं, दो तीन ऐसे प्रोड्यूसर्स. B.R. चोपड़ा तो मुझे डिस्टिंक्टली याद है, यू नो आई वाज 16 देन. तो उनको कहा कि वो रहमान का भतीजा आया हुआ है तो वो आपसे मिलना चाहता है आके, यू नो. तो मुझे कहती वो आज तुम्हें B.R. के ऑफिस में जाना है, उन्होंने कहते मुझे उनको भेज देना मेरे पास. तो तैयार हो के बाल बाल बना के टिकट लेके मैं कुलाबा से, आई डोंट नो वेयर उनका ऑफिस था मुझे उस ज़माने में, मुझे पता है, मैं जाके उतर के उनके ऑफिस जाके मैं बैठ गया. उस ज़माने में वो उनके ऑफिस के अंदर बड़े उधर एडिटिंग वगैरह भी चला करती थी. उन्होंने मुझे बिठाया. B.R. चोपड़ा वाज ओरिजिनली फ्रॉम लाहौर एज यू नो. सो उन्होंने दो तीन मेरे से बातें की और आई रिमेंबर उन्होंने लाहौर का पूछा काफ़ी ज़्यादा. और फिर उन्होंने मुझे कहा कि वाई डोंट यू, मैंने कहा अंकल मैं आपसे कोई ज़रूरी बात करना चाहता हूँ. बिकॉज वहाँ एक दो और एक्टर्स भी बैठे हुए थे पुराने. तो उन्होंने कहा हाँ तो बेटे व्हाई डोंट यू कम टू माय प्लेस. तो मैंने कहा जी ज़रूर मैं आऊँगा जब भी आपके यहाँ, आप किसी दिन उनका फलाने दिन आ जाना एंड कम एंड हैव फूड विद अस एंड ऑल. मैंने कहा चलें ठीक है. फिर मैं आके अपनी ताई को बताया, मैंने कहा B.R. चोपड़ा ने मुझे बुलाया एंड आई वांट टू गो एंड ही सेड कि मेरे घर आना. मैंने कहा तुम्हारी ताई थॉट कि यू नो ओके दिस इज़ डन, यू नो मुझे कोई फिल्म मिल जाएगी और यू नो. सो उसके बाद उन्होंने मुझे, मैं फिर से तैयार होके आए, took the bus and I went to his place. I remember उनका bedroom था, bedroom में उन्होंने मुझे बुला लिया. उनके bedroom में सारी wood work हुआ था, it's all wood actually. और उनकी wife भी आई और उन्होंने मुझसे, पतली सी थी, I remember पंजाबी मेरे से बातें कर रही थी वो. और लाहौर के बारे में बड़ा कुछ उन्होंने मुझे बताया कि अच्छा कहते हैं हाँ, हम बड़ा वहाँ में पार्टीशन के ज़माने की बातें बताई कि इस तरह तकलीफ़ हुई, ये हुआ. और फिर आई रिमेंबर कि उन वो B.R. जो है ना बैठे हुए थे, स्क्रिप्ट लिख रहे थे उर्दू में. तो मैंने कहा अंकल ये क्या आप लिख रहे हैं. कहते मैं एक फिल्म लिख रहा हूँ. मेरे कहा नाम क्या है इसका. कहते इसका नाम है तवायफ. सो इफ़ यू रिमेंबर B.R. चोपड़ा मेड अ फिल्म कॉल्ड तवायफ, यू नो मैनी. तो उससे मैंने वो खुद लिख रहे थे बैठे. तो खैर मैंने उनके साथ खाना खाया और मैंने उनको कहा, मैंने कहा अंकल आई वॉन्ट टू कम इन वर्क हियर.
you know. And he said ke you know zarur tum karo aake bete, lekin baat ye hai ke until unless your uncle does not agree to it, you will not be able to do it, you know. I said, लेकिन अगर आप अंकल को कह दें, अंकल से आप बात कर लें, उनको कह दें कि आप अगर ऑफ़र करेंगे कोई फिल्म तो मेरे अंकल शायद मान जाएंगे, यू नो. एंड ही सेड, नहीं, आपको ख़ुद अपने अंकल को राज़ी करना है, और एक दफ़ा वो राज़ी हो जाए उसके बाद इट विल बी ईजी, बिकॉज उनकी कहे बगैर कोई भी आपके लिए कुछ नहीं कर सकेगा. तो मैंने कहा अच्छा, मैं अपना समूह ले के वहाँ से निकला और घर आ गया, सो गया आके. फिर मैं रामदयाल थे एक हमारे प्रोड्यूसर उधर, वो भी लाहौर से गए हुए थे, उनके पास भी मैं गया. वो बड़े अच्छे आदमी थे, उनके बेटे से मेरी बड़ी दोस्ती हो गई, डिम्पी से. और डिम्पी फिर मुझे ले लेके स्टूडियो से घूमता था, कहीं देवानंद की शूटिंग हो रही थी, एक देवानंद फिल्म बना रही थी, वहाँ महबूब स्टूडियो था, दूसरे स्टूडियो, हम सारा वहाँ घूमते रहते थे. फिर ये होगा एक, मैं फिर थक गया, मैंने कहा अच्छा यार अब नहीं मिल रहा कोई काम, क्या करूं. ज़ाहिर है मैं हमेशा के लिए तो वहाँ रह नहीं सकता था. महीना डेढ़ महीने के बाद मुझे फिर जहाज़ पकड़ के वापस लाहौर, तो फिर मैं आ जाया करता था, क्योंकि स्टारडम यहाँ लिखी थी ना. प्रॉबली ये हुआ है ना. तो फिर ये कि यहाँ, लेकिन कोशिश मैंने बड़ी की. फिर उसके बाद मैं रुका नहीं. उसके बाद आई रिमेम्बर दिस मस्ट बी यू नो, जिस ज़माने में कुछ कुछ होता है बन रही थी अभी बनी नहीं थी, ये जो शाहरुख खान की फिल्म कुछ कुछ होता है. तो मेरे एक अंकल थे, वो नहीं, ही इज़ डाइड एक्चुअली, वो बड़े क्लोज थे करण जौहर के वालिद के साथ, याश जौहर से. तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा अंकल आप उनको कह दें, याश जौहर को, कि वो अगर you know if he wants to did you meet him jab wo yahan aaye the lahore aaye the jab wo mere uncle ke paas hi aaye the ya main nahi yahan nahi main mila tha yahan jab aaye the tab mujhe pata chala tha ki wo mere uncle ke friend hai to unne kaha ha bete koi nahi tum jao bombay jao tum mumbai usse uska naam change ho gaya to mumbai ho gaya mumbai jao tum aur zarur main usko phone kar deta hu ye wo to phir main chala gaya mumbai दोबारा से जो अकेला फिर से दोबारा जहाज़ पकड़ के. देखो कोशिशें मैंने हमेशा की है, यू सी आई हैव ऑलवेज बीन एट इट, यू नो. सो आई वेंट एंड आई मेरा फ़ोन शोन करके, याश अंकल मैं आ गया हूँ और मैं यू नो उनका भतीजा हूँ रहमान साहब का, और ये सो क्या, हाँ बेटे आ जाना ही हो धर्मा प्रोडक्शंस में. मैंने कहा अच्छा. तो मैं बस लेके एक्चुअली क्योंकि उनका ऑफिस था, एक ब्रिज था, ब्रिज के नीचे उनका ऑफिस था. सो एक्चुअली आई वॉज लुकिंग फॉर इट. में हमारे जहन में तो ये था पता नहीं ऑफिस कहाँ होगा, गेट्स होंगे और गाड़ियाँ होंगी. एक ब्रिज के नीचे धर्मा प्रोडक्शंस का ऑफिस था, आई एम श्योर अब तो चेंज हो गया होगा. तो वो फिर मैंने कहा अच्छा ये दरवाज़ा नीले रंग का दरवाज़ा था शायद, एक मैंने नॉक किया अंदर गया, बट अंदर जाके वो पूरा ऑफिस था, यू नो, गर्ल्स सिटिंग और कंप्यूटर्स चल रहे हैं और ये वो. तो उनका बिल्कुल सामने उनका शीशे का ऑफिस था, वो बैठे हुए थे उधर, यू नो. तो मैंने पिक्चर्स वगैरह देखी तो मैंने पहचान लिया उनको. तो फिर मैं अंदर में गया, सलाम अंकल, उनके बड़ा सा एक स्टैचू भी था साइड पे, यू नो, और बिठाया उन्होंने. फिर दी जस्ट वी जस्ट सैट एंड वी चैटेड एंड ऑल दैट. फिर उनको भी मैंने यही कहा, मैंने यू नो आई'd लाइक टू वर्क हियर एंड यू नो एंड उस वक्त तक मैंने काफ़ी काम भी कर चुका था, आई कुड शो हिम. उस ज़माने तो वीडियोस हुआ करते थे, यू नो, तो ये इंटरनेट वगैरह तो मैंने वीडियो एक बनाई हुई थी अपने काम की, यू नो, तो वो मैंने उनको जाके दिखाई. मैंने कहा ये मेरी वीडियो है. तो खैर उन्होंने बड़ा अपनी फिल्म इंडस्ट्री के बारे में भी बड़ा बताया, और उन्होंने कहा कि अब मैं आज के लिए फिल्म बना रहा हूँ, कुछ कुछ होता है, और इंस्ट्रक्शंस भी दे रहे थे साथ साथ लोगों को कि अच्छा ये करो, उतने फूल वहाँ पहुँचा दो, और तो ये इस तरह की चीज़ें करें. And then he said, "Haan, I will talk to other people as well. And if you're interested in working here, I'll talk to every, you know, logon se or ye, if you want to." Main kaha ji zarur. Phir ye hua ki wo unhone kaha ki kahan tum thehre ho? Main pata nahi kahan thehra hua tha. Main thehra hua tha. Again, I was staying in Kulaba, I think somewhere. Kisi ke ghar se thehra hua tha. To unhone kaha, "Haan, main usi taraf ja raha hu. To main tumhe chhod deta hu." Uske baad hum gaadi mein baith gaye. और उस ज़माने में आई थिंक, आई डोंट नो अब क्या है मुंबई में, लेकिन इतनी ट्रैफिक थी, इट टुक अस 3 hours इन द ट्रैफिक. अभी भी ऐसा ही है. एंड आई वाज एंड ही फेल्ट के उनको कोई वो नहीं हो रहा था, और 3 hours एंड वी चैटेड, यू नो, वी जस्ट टॉक्ड एंड टॉक एंडलेसली, यू नो. वो मैं सारी बातें बताने से भी प्रोग्राम बहुत लंबा हो जाएगा, यू नो.
So we had a great time. He was such a great guy. He was a big, उनको बड़ी अंडरस्टैंडिंग थी फिल्म इंडस्ट्री की. उन्होंने हीरोज़ के बारे में बताया, हमारे हीरोज़ का पूछा, हमारी फिल्म इंडस्ट्री के, अच्छा वहाँ कैसे हीरोज़ क्या करते हैं, उनका कितना, क्योंकि उस ज़माने में ना इतना कनेक्शन नहीं था, लाइक यूट्यूब नहीं है, कुछ पता नहीं होता, तो वो इसी तरह आप बताया कर, वो पूछते थे कि किस तरह से रहते कैसे हैं, आप काम कैसे ढूंढते हैं, क्या लाइक ही आस्क्ड द होल डिटेल ऑफ हाउ वी वर्क हियर एंड व्हाट वी डू एंड ऑल. तो मैंने उनको बड़ा बताया कि हम लोग ऐसे करते हैं. फिर उन्होंने अपना बताया कि यहाँ ये होता है. हीरोज़ वहाँ, उन्होंने हमेशा से कहा कि वहाँ हमेशा से इंडिया में हमेशा से 8 से 10 हीरोज़ टॉप पे होते हैं, हमेशा से. इट इज़ ऑलवेज 8 to 10 और उनको उनकी आपको चॉइस होती है. मैंने कहा पाकिस्तान में 2 to 3 होते हैं, ऑलवेज हमारी फिल्मों में उस जमाने 2 to 3 होते थे, बिकॉज या नदीम शाहिद नदीम और मोहम्मद अली या मोहम्मद अली नदी, इस तरह से ना. तो हमारे ज़माने में भी शायद मैं और अयाज थे शायद, और शायद एक और कोई था, वो अपना हमारा इस्माइल शाह था एक, वो भी साथ साथ होता. तो इस तरह से आसिफ रजामीर था. आसिफ भाई मेरे ज़माने में चले गए थे एक्चुअली. अच्छा, चले. व्हेन आई केम आई डू नॉट रिमेंबर आसिफ भाई वर्किंग, यू नो. आई रिमेंबर दैट ही हैड स्टॉप्ड वर्किंग एंड ही हैड आइदर ही, बिकॉज वो ऑलरेडी टीवी तो करते ही थे, आई थिंक ही डिड सम टेलीविजन एंड देन ही चेंज्ड हिज you know work and I think which Canada chale gaye the kuch, but I don't remember Asif okay. Bhai working at. Ye it's all from here, dimag se sab, everything comes from your mind, you know. All you have is your mind. You have to just work at your mind, you know, and you you'll be successful. Neha kya kar rahe? समीना मैं आपको बताऊं, नया मैं कुछ नहीं कर रहा, लेकिन नया करने की ख्वाहिश जो है ना मेरी, वो मेरी दो ख्वाहिशात हैं. एक मेरी ख्वाहिश ये है कि मैंने जो फिल्म इंडस्ट्री में काम शुरू किया, मुझे बहुत सारी पंजाबी फिल्मों की ऑफ़र आई, लेकिन मैं पंजाबी फिल्में रिफ्यूज़ कर दी सारी, जिसका मुझे मलाल है आज तक. एक तो ये कि मैं पंजाबी लैंग्वेज में कुछ करना चाहता हूँ, पंजाबी में या कोई फिल्म, कोई भी यू नो फिल्म ही है, बहुत तो कोई उस तरह वो फिल्म में करना चाहता हूँ, पंजाबी फिल्म. और एक मैं अपनी मादरी ज़ुबान में फ़ारसी में मैं परफॉर्म करना चाहता हूँ, अपनी अपनी फीलिंग में, जो मैंने जो मुझे वो उसकी उम्मीद मुझे, आई डोंट नो कि कहाँ लोग बनाते हैं ऐसी फिल्में जिसमें. तो ये मेरी ख्वाहिश है कि मेरी अपनी मादरी ज़ुबान में मैं परफॉर्म करूँ, और मैं पंजाबी में परफॉर्म करूँ. उर्दू में मैंने किया, अंग्रेज़ी में भी किया हुआ, ये दो लैंग्वेजेस इसमें मैं परफॉर्म करना चाहता हूँ. मैं देखना चाहता हूँ कि क्या मेरे में उसमें इतनी वो मिली चैलेंज है, बेसिकली इट्स लाइक अ चैलेंज फॉर मी, क्योंकि मैंने इन दो लैंग्वेजेस में अभी तक परफॉर्म नहीं किया, लेकिन अब ये मेरी ख्वाहिश है. लेट्स सी इफ आई गेट एन ऑफर. आपने देखा है नया सिनेमा जो ईस्ट पंजाब से बन के आ रहा है? हाँ, कितना मजे मजे की फिल्में बना रहे हैं वो लोग. बहुत मजे की फिल्में, बहुत मजे की फिल्में, बहुत उम्दा फिल्में बना रहे हैं. वैसे आई एम सरप्राइज्ड, पंजाबी फिल्में, इंडिया की पंजाबी फिल्में हम काम कर सकते हैं या नहीं? क्यों नहीं कर सकते, करना चाहिए. कर सकते हैं, आई डोंट नो, है ना? आई थिंक वी शुड, है ना? कुछ कोशिश करनी चाहिए, है ना? अपनी अपनी पंजाबी आजमानी चाहिए. आई डोंट नो पॉलिटिक्स का क्या है, लेकिन ये कि वैसे पंजाबी फिल्में, इंडिया की पंजाबी फिल्में कनाडा में बनती है ज्यादातर. अगर वो बनती तो ईस्ट पंजाब में ही है ना, ईस्ट पंजाब प्रोड्यूसर्स वहां के हैं, कनाडा के. मगर डायरेक्टर, एक्टर्स, डायरेक्टर, लेकिन कई फिल्में कनाडा में भी बनी, वहां भी बनती है. हां, सो यू आर अ कैनेडियन, आर यू? आई एम अ कैनेडियन सिटीजन, सो आई कुड एक्चुअली, है ना? यू शुड लुक इनटू इट. आई शुड लुक इनटू इट. पंजाबी में मैं काम करना चाहता हूं, और फारसी में तुम? फारसी में करना चाहता हूं. अफगानिस्तान में मैंने देखी थी वहां की फिल्म, आई मेट अ डायरेक्टर. रियली? हाँ यार, मेरा नाम बताना था मुझे बाहर से एक्साइटमेंट की इतनी जरूरत नहीं होती है. ये कहाँ से आती है एनर्जी? ये इट्स ऑल फ्रॉम हियर, दिमाग से सब, एवरीथिंग कम्स फ्रॉम योर माइंड, यू नो. ऑल यू हैव इज योर माइंड, यू हैव टू जस्ट वर्क एट योर माइंड, यू नो, एंड यू विल बी सक्सेसफुल. इट्स ऑल योर माइंड, अदरवाइज. मेरा ये होता है कि मैं बाहर के इन्फ्लुएंसेस बहुत कम लेता हूँ. आई लिसन, आई लुक, बट आई डोंट लेट इट अफेक्ट मी. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू नो. अगर आप
अगर आप हर चीज़ से इन्फ्लुएंस लेके अफेक्ट हो जाएं, तो फिर तो हाँ आप उन चीज़ों से अफेक्ट हो जिससे आपको लगता है कि आप अफेक्ट हो के तो आपकी ग्रोथ होगी. यू नो, अगर आप ये समझते कि यार ये अब ये भी मैं कर लूँ, ये भी उसको एब्जॉर्ब हर चीज़ कर लूँ, तो आपकी कैपेसिटी इतनी नहीं कि हर चीज़ को एब्जॉर्ब कर सके. सो आई कीप रिजेक्टिंग अ लॉट ऑफ इन्फ्लुएंसेस. कभी बहुत रोए हो? हाँ, लेकिन ज़्यादा नहीं रोया मैं. यू नो, मम्मी की डेथ पे बड़ा रोया था. यू नो, उसके अलावा मैं आई डोंट हाँ आई हैव ये जब पेशावर के वो बच्चों का केस हुआ था, APSO स्कूल वाला. आई वॉज इन नेपाल एक्चुअली. मैं आई वॉज देयर फॉर अ फिल्म फेस्टिवल एंड फॉर डेज आई थिंक मैं जस्ट सैट इन माई रूम एंड आई जस्ट यूज टू लुक एट द न्यूज़ एंड आई जस्ट क्राई. यू नो, नॉट बिकॉज आई वॉन्टेड टू, इट यू जस्ट कुडंट हेल्प बट क्राई. यू नो, एंड यू नो व्हेन योर मदर डाइज ऑफ कोर्स यू नो यू कांट हेल्प, आपको रोना भी आता है, बहुत ज़्यादा आता है. यू नो, एंड देन उस आपका रिकवरी टाइम भी बड़ा होता है, आपको 2-3 साल में. तो यू नो, इट टुक मी एट लीस्ट यू नो टू मोर देन 2 ईयर्स टू काइंड ऑफ कम आउट ऑफ द होल यू नो माई मदर्स डेथ की जो पूरा मुझे अफेक्ट हुआ था उसका. यू नो, इट वॉज वेरी डिफिकल्ट, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन. यू नो, व्हेन योर मदर. ये मौत क्या है वैसे? देखिए, जिंदगी एक ड्रीम है, तो मौत जो है वो आइदर ड्रीम का एंड है या ड्रीम की बिगिनिंग है. आई गेस यू नो इट्स वन ऑफ दोज थिंग्स. यू नो, ये आई यू कांट रियली यू नो लूज योर स्लीप ओवर इट. आई गेस यू नो बिकॉज इट्स समथिंग दैट यू विल नेवर गेट एन आंसर टू एंड यू विल कीप थिंकिंग अबाउट इट. यू नो, यू जस्ट नॉट गेट टू एनी सेटिस्फैक्ट्री आउटकम. यू नो, तो इसलिए मैं तो ये कई दफ़ा मेरी ज़िंदगी में भी ये मैं कई चीज़ें सोचता हूँ कि जो बहुत बड़े सवाल हैं ज़िंदगी के, उनको सवाल की हद तक ही रखना चाहिए. उसके बाद क्योंकि आप बहुत खोज करेंगे, आप क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, लेकिन आप बहुत खोज करेंगे तो उसका आपको रिज़ल्ट यूजुअली मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं मिलेगा. और या आप उसका रिज़ल्ट, उसका जवाब खुद बना के कहेंगे हाँ इसका ये जवाब है. तो इसलिए आपको नहीं इतना सोचना चाहिए. यू नो, तो ज़िंदगी के बारे में भी नहीं सोचते कि ज़िंदगी क्या है? नहीं, बिल्कुल नहीं. आप यू शुड लिव इन द मोमेंट. वो एक ख्वाब है, ज़िंदगी की ख्वाब है मेरे ख्याल में. तो एक ख्वाब हम जो इतना कुछ करते हैं, इतना हाँ इतना नहीं करना चाहिए ना. मैं इसलिए मेरी तो ज़िंदगी का देखें अभी तक मैं भी क्यों अभी तक इतना यू नो आई एम स्टिल विद ऑल दिस एनर्जी एंड अंडरस्टैंडिंग इज़ बिकॉज अचीवमेंट इज़ एक्चुअली ओवररेटेड. आपकी जो अचीवमेंट है ना, वो दुनिया में आपने जो डिवेलप होगी अचीवमेंट, वो उसके अगर आप देखें वो इट्स एक्चुअली ओवररेटेड. यू नो, बिकॉज आप अचीव करके आप क्या करेंगे, क्या चीज़ें कितनी अचीव, आपको उतना अचीव करना चाहिए जो आपकी पर्सनालिटी को, आपकी सेहत को और आपके दिमाग को तकवीत पहुंचा रही है. उससे ज़्यादा अचीव करना, जो हमारी अब आदत बन गई है पूरी दुनिया में, अचीव कर ले हर चीज़. यू नो, अचीवमेंट इज़ ओवररेटेड. मेरे लिए अचीवमेंट इज़ नॉट अ ग्रेट. तो फिर कामयाबी क्या है? इन्जॉयमेंट इज़ कामयाबी और नाकामी. ज़िंदगी का इन्जॉयमेंट इज़ कामयाबी एंड नाकामी इज़ व्हेन यू वांट टू अचीव टू मच, वो नाकामी है. बिकॉज आप उसमें खुद अफेक्ट हो रहे हैं ना, आपका दिमाग अफेक्ट हो, आपकी सेहत अफेक्ट हो रही है, तो उसका क्या फ़ायदा है? मुझे तो उसका कोई फ़ायदा, क्योंकि उसका कोई मसरफ मुझे नज़र नहीं आता. व्हाई डू यू नीड टू अचीव सो मच, अर्न सो मच इन लाइफ? व्हाई, जब आपका गुजारा कम से हो सकता है, व्हाई डू यू हैव टू क्रिएट सो मच बर्डन अराउंड यू ऑफ वेल्थ एंड नॉट ओनली वेल्थ, फेम वेल्थ, हर चीज़ का वज़न है ना ये. तो आप जितने मशहूर होते जाएंगे, वज़न आपका बढ़ता चला जाए, जितना आप अकलमंद होते जाएंगे और ज़्यादा आपका वज़न बढ़ता, आपको और ज़्यादा आपकी अकल भी तो जो है शुड बी लिमिटेड. यू नो, आई डोंट थिंक कि आप ये कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन कि इतना सोचना नहीं चाहिए इंसान को, बस जितना है बस उतना रखें आप. वो बुल्ले शाह ने क्या कहा था, एक दुखते विच गल नहीं बस करियो. हाँ. क्या था वो? इल्मो बस करियो इल्मो बस करियो यार.
तो इल्म बस करियो यार मेरे ख्याल में, क्योंकि ये इल्म है, बट इल्म शुड बी फॉर योर गुड, इट शुड नॉट डिस्ट्रॉय यू, यू नो, देन व्हेन इट्स डिस्ट्रॉइंग यू देन इट्स नॉट इल्म, इट्स डिजास्टर, यू नो. सो दैट्स व्हाई यू नो आई फील दैट यू हैव टू जस्ट हैव अ वेरी इत्तदाल. इत्तदाल बड़ा ज़रूरी है ज़िंदगी में, यू नो, हर चीज़ का. तो बैलेंस किस तरह बना है, अचीव कैसे होता है ये बैलेंस? हर इंसान का अपना बैलेंस है अचीव करने का. हर इंसान, मैं आपको नहीं बता सकता, आप मुझे नहीं बता सकती, आपने अपना बैलेंस खुद अचीव करना होता है. लेकिन उसको पहले रिकग्नाइज आपका करना बड़ा ज़रूरी है कि मेरा अपना बैलेंस रिकग्नाइज करना, मेरा ये बैलेंस है. यू हैव टू रिकग्नाइज इट. यू कॉन्ट लुक एट अदर पीपल एंड से कि अच्छा वो उसका बैलेंस ये था तो मैं जैसे वो कर रही है तो मैं भी वैसे करूँ तो मेरा बैलेंस. नो, यू हैव टू फाइंड योर उसकी गाड़ी ऐसी है तो फिर ये हो जाए, उसका घर ऐसा है तो उसके कपड़े ऐसे हैं तो उसका जेवर ऐसा. एग्जैक्टली. उसकी अचीवमेंट, उसकी कामयाबी. हाँ, ये इट्स यू कैन नेवर लुक एट द अदर पर्सन कि उसने अगर ये अचीव कर लिया है तो मैंने भी यही अचीव करना है. व्हाई, यू नो, उसने अचीव किया किसी और मकसद के लिए किया, उसकी कैपेसिटी और है, आपकी शायद नहीं है उसकी कैपेसिटी. दरख्त के नीचे बैठकर कामयाबी नसीब होती है, दरख्त के नीचे बैठ. बिल्कुल, दरख्त के नीचे बैठ के आप कामयाबी ले लें, आपको क्या ज़रूरत है कि आप कॉपी क्यों करना चाहते हैं किसी. दैट ब्रिंग्स मी बैक टू द पॉइंट कि पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री शुड, यू नो, डू दिस, यू नो, इट शुड लुक इन साइड नॉट आउटसाइड. लेकिन वो फिल्म मेकर जो है अभी, जितना यंग फिल्म मेकर आया है, I'm sure they have a lot of potential, but they have to look inside, and they'll actually be making more money. By the way, they'll be making more money. They'll be making more name because आपकी respect उसी को दी जब आपको अपने अंदर देखते और अपने अंदर से कहानियाँ निकाल के आप लोगों को सुनाते हैं. As a filmmaker, मैं बात कर रहा हूँ. इसी तरह यार, you can apply it on your life for that matter. You know, आपकी ज़िंदगी पर इसको आप apply करें, आप देखें, you can be. You can be very. So, मैंने तो आज तक किया है. मैंने तो आज तक अपनी ज़िंदगी में always looked inside and thought about it. I never copied anybody in my life. आप अगर मेरी अदाकारी भी देखें, स्क्रीन पे देखें, मुझे मेरी एक इंडिविजुअलिटी, गुड और बैड, आई एम नॉट सेइंग इज़ गुड, गुड और बैड, आई लुक डिफरेंट फ्राम अदर्स. आई ट्राई टू लुक डिफरेंट इन माई एक्टिंग, इन माई लुक्स, इन माई वट एवर, सो दैट मैं सब की तरह ना हो जाऊँ. तो ये दैट इज़ वॉट पीपल हैव टू रियलाइज, यू नो. एंड आई एम श्योर, यू नो, आई मीन हमारे फिल्म मेकर्स और एक्टर्स वगैरह बड़े अक्लमंद हैं. सिर्फ ये है कि उनको पता होना चाहिए कि दे हैव टू रिकग्नाइज इट, यू नो, दे हैव टू जस्ट लुक एट इट एंड रिकग्नाइज इट. फैसल, थैंक यू सो मच. बस ऐसे ही रहो, ठीक है, हमेशा, फॉर एवर. ओके, थैंक यू वेरी मच.